जय श्री कृष्ण। हमने देखा अमर श्रीवास्तव स्वामी आनंदालय जी को अपने घर लेकर गया है। 1.5 महीना हो गया, उसके दोनों बच्चे स्वामी जी के साथ काफ़ी समय बिताने लगे। पत्नी बोली, देखो मैं सही कह रही हूँ, इन बाबा जी को वापस छोड़ आओ। बोला, अब थोड़े दिन की बात और है, थोड़े दिन में हम दोनों फिर अकेले ही रह जाएंगे। कैसे बाबा जी हैं ये, इतना भी नहीं सोचते कि जिस घर में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसी को उजाड़ने पर तुले हैं। मैंने तो उनसे भी कह दिया था परसों कि मेरे बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दें। बस मुस्कुराने लग गए। आपको तो समय मिलता नहीं, लड़कों के रंग ढंग तो मैं देख रही हूँ ना, कोई दूध पीते बच्चे हो तो उठाकर पटक दूं एक जगह, है इतने बड़े लड़कों का क्या करूं। कहाँ है दोनों, बुला उन्हें। दोनों को बुलाया। अमर ने डांट कर बोला, क्यों रे देवेश, क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। क्या? स्वामी जी ने एक पुस्तक बताई थी, वो इतने गर्व से बोल रहा है जैसे पता नहीं क्या कर रहा था। बोला, झूठ थोड़े ही बोलता, चुप कर, बड़ा आया सच बोलने वाला। और तू सुरेश, तू क्या कर रहा था? वो बोला, भजन याद कर रहा था, सुनाऊं? सच्चा साथी गोविंदा। खैर मैं बताता हूँ तुझे, तुम्हें मना किया था ना स्वामी जी के पास जाने के लिए? देवेश बोला, हाँ हमने स्वामी जी से कहा था कि आप और माँ मना करते हैं, उन्होंने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। पत्नी बोली, तुमने ये भी कह दिया उनसे? मैंने कहा था ना यूँ मत कहना। सुरेश हंसते हुए बोला, हाँ माँ मैंने कहा कि माँ ने ये कहने को मना किया है, तो वो नाराज नहीं हुए, हंसने लगे, आप क्यों परेशान होती हो, वो नाराज नहीं हुए आपसे? देवेश बोला, वैसे भी उन्होंने कहा है कि छुपाकर कोई बात नहीं रखनी, आपसे हम कुछ नहीं छुपाते, छुपाते तो वो हैं जो या तो गलत काम करते हैं या सत्य का सामना नहीं कर सकते। अमर बोला, यू फुलिश। सुरेश बोला, नहीं स्वामी जी ने कहा है मूर्ख कोई नहीं है, सब में भगवान है, सबसे भगवान करवा रहा है। अमर ने सुरेश के एक थप्पड़ लगा दिया, वह रोने लगा। आज ही उसने स्वामी जी को आश्रम पर पहुंचाने का निश्चय कर लिया। जाकर के बोला, चलो स्वामी जी आपको पहुंचा दूं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मुझसे पूछ रहे हो? बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया आपने, आपको जो कुछ कहना था मुझसे कहते, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष, इनको क्यों बिगाड़ा? स्वामी जी आश्चर्य से बोले, बिगाड़ा? मुझे तो जो भी कहना है मैं तुमसे भी कहता हूँ, अब तुम उसके अनुसार चल नहीं पाते और वो बच्चे उसके अनुसार चल पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? ठीक है लेट्स गो, चलो। स्वामी जी बोले, मैं चला जाऊंगा। वे स्वयं चले गए। जय श्री कृष्ण।